सबसे पहले एक मीडियम साइज बोल में हाफ अ कप घी ले लें। और उसमें हाफ कप शुगर ले, कैस्टर शुगर, और उसके अच्छे से क्रीम कर लें, विस्क कर लें। इसे अच्छे से हमें 2 से 3 मिनट तक विस्क करना है ताकि ये लाइट एयरी और फ्लफी हो जाए। और साथ साथ मैं बताता चलूं, जो हमने इसमें नटमेग पाउडर यूज़ किया है उसकी जगह आप दालचीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी को नहीं पता नटमेग पाउडर क्या है तो मैं वो भी आप लोगों को गाइड कर दूँगा। नटमेग पाउडर जावित्री का पाउडर होता है, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप जावित्री घर में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें। ये देखें, अब ये हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए 2 से 3 मिनट विस्किंग के बाद। ये देखें बिल्कुल कलर में घी लाइट हो गया, वाइट हो गया, शुगर इसमें डिजॉल्व हो गई है ऑलमोस्ट। अब हम ग्लव्स पहनेंगे और इसमें फ्लावर की मिक्सिंग करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सनरिच का होल व्हीट आटा, और इसके साथ हम लेंगे 1/4 कप सूजी, और आटा जो था वो 1.5 कप था। अब इसे अच्छे से हमने मिक्स, अब जब ये क्रम्बली एक डो बन जाएगा तो हम इसमें 2 to 3 tablespoons जितना मिल्क डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, वो 1 tablespoon करके, फिर 2nd tablespoon ऐसे, और इसको फिर मिक्स करेंगे until the two combines। अब ये हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें इसको बिल्कुल भी ओवर नीट नहीं करना है हमें, बस उतनी देर तक इसको नीट करना है कि ये कंबाइन हो जाए, बाइंड हो जाए, कोई सारा आटे यकजा हो जाए। बस ये हमारा डो बिल्कुल रेडी है, अब हम इसकी बेकिंग साइड। अभी हमारा डो जो रेडी हुआ था इसे हम रोल करेंगे, और अपने मन पसंद से शेप्स आप इससे काटें और इसको बेक करें। अच्छा, साथ साथ ये भी बता दूं कि आप अपना ओवन जो है वो 180 डिग्रीज पे प्रीहीट कर लें, और जिस बेकिंग ट्रे में हम इसको बेक करेंगे वो भी आप ग्रीस करके अभी से रख लें। इसकी जो है वो 1/2 inch तक थिकनेस होनी चाहिए कुकीज़ की, और अपने मन पसंद से इसमें से शेप आप निकालिए रोल करने का। चलिए, मैंने अपने फेवरेट शेप्स काट लिए हैं, अब आप भी अपने फेवरेट शेप्स काटें और इसे बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे फॉर 15 to 18 मिनट्स। तो अब रेडी हो गए सैंडविच फोर्टिफाइड चक्की आटा से तैयार करना हेल्दी और खस्ता बिस्किट्स। चाहे आप इसे बच्चों को दूध के साथ दें या शाम की चाय के साथ एंजॉय करें।